आज की हमारी रेसिपी बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। आज हम बनाएंगे बाजरे की राब। पहले तो बाजरे की राब खूब बनती थी, लेकिन आजकल क्या नई नई चीज़ें आने से ये सब बनना बंद हो गया। लेकिन यकीन मानिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करें। गर्मी में जब आप बनाएं तो ठंडा करके खाएं, और सर्दी में जब आप बनाएं तो इसको गर्मा गर्म खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। वेलकम टू कुकिंग शो कुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे बाजरे की राब, इसको कुटिया राब भी बोला जाता है। सिर्फ आज इसे हम 10 मिनट के अंदर बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो बाजरे की राब बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए बाजरी। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बाजरी ली है। इसको हमें पानी में भिगोना है। ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, पानी उतना ही डालेंगे कि बाजरी जो है अच्छी तरह से गीली हो जाए। अब हम लेते हैं एक मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में हमें इस बाजरे को अतकचरा करना है। जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं उतना ही हमें इसको अतकचरा करना है, क्योंकि इसके जो ऊपर के जो छिलके होते हैं ना, ये हमें इसके निकालने हैं, जिससे जो है हमारी बाजरे की राब बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगी। तो अब हम लेते हैं एक परात या एक बड़ा बर्तन लेते हैं, जिसमें हम आधा आधा करके इसको निकालेंगे। तो आधा मैंने इसको एक बर्तन में डाल लिया है। तो चलिए अब इसके हमें छिलके निकालने हैं। तो कैसे निकालने हैं देखिए, पहले सबसे पहले आपको इसको अच्छे से हाथ से मेश करना है, यानी इसको मसलना है, ताकि इसके छिलके इससे अलग हो जाएं। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी बाजरी गीली हो गई है या पानी ज़्यादा गिर गया है, तो आप थोड़ी देर के लिए उसको फैला कर रख दें, जिससे कि यह बाजरी जो है बिल्कुल सूख जाएगी, और जिससे आपको छिलके निकालने में आसानी होगी। जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह हमें इसको ऊपर नीचे करके इसके छिलके निकालने हैं। इस तरह इसको हम ऊपर से नीचे करेंगे तो छिलके जो आसानी से आ जाएंगे, या फिर हम इसको एक दूसरे बर्तन में लेकर भी इसके छिलके जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह हमें इसको निकालना है। तो इस तरह जो बाकी बची हुई बाजरी है उसको भी हम इसी तरह निकाल लेते हैं, और जो छिलके हैं उसको हमें फेंकना है, ये किसी काम के नहीं है। और जो हमारी बाजरी बची हुई है उसकी हम बनाएंगे राब। तो अब यहाँ पर हमारी बाजरी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है राब बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर लिया प्रेशर कुकर, और 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब जो है बाजरे की राब बनाने के लिए हमें चाहिएगा दही या फिर छाछ। तो मैंने यहाँ पर एक गाढ़ा दही लिया है। मैंने इसको फेंटा वेटा कुछ भी नहीं है, सीधा मैं इसमें डालूंगी और इसको अच्छे से हिला दूंगी, और फिर हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, यानी कि हमको दही पतला ही लेना है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि दही जो है थोड़ा खट्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, कुकर में डाल दिया है, साथ ही साथ इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसमें हमें डालनी है बाजरी। बाजरी जब डालेंगे ना, तो इसको अच्छे से हमें हिलाना है, रुकना नहीं है। तो यहाँ पर हमें ऐड करना है नमक। तो 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। तो अब यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम इसको नमक डालने के बाद चलाते जाएंगे, जब तक जो है बॉइल नहीं आ जाता तब तक हमें इसको चलाना है। इस वजह से 1 कप हमने बाजरी लिए तो हमें 3 गुना तो कम से कम इसमें छाछ जाएगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जब राब में अच्छा सा उबाल आ जाएगा, तब हमें गैस की फ्लेम को कर देंगे कम, और कुकर को बंद कर देंगे, और 10 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। कम से कम 2 से 3 विसल हमें इसमें लेनी है, उसके बाद हमें गैस को बंद करना है। तो लीजिए, गर्मा गर्म हमारी बाजरे की राब बनकर तैयार हो गई है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर इसे बनाइए और खाइए। एक बार आप बनाएंगे ना, तो बार बार बनाने की आपकी इच्छा होगी। बाजरा खाना वैसे भी सर्दियों में बहुत ही अच्छा रहता है, पौष्टिक भी होता है। तो चलिए इसे अब हम करते हैं सर्व। देखिए कितना अच्छा और कितना गाढ़ा हमारा जो है बाजरे की राब बनी है। इसको आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, बहुत ही हेवी और अच्छा नाश्ता होता है, और झटपट बनकर भी तैयार हो जाता है। और सर्दी है तो भाई घी तो डालना बनता ही है। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा घी भी ऐड कर देते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करना भूल गए तो मेरे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही नहीं पहुंच पाएगी। हमारा यह राजस्थानी वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक तो करें ही करें, साथ ही साथ कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे और भी वीडियोज़ देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।